परेड का रामलीला मैदान है कानपुर शहर में और टपटपा रहा है पानी। पानी ने पुतलों को भिगो दिया है। ये रावण का पुतला कागज वागज भीग भीग के, ये रावण के सर्जन है। डबल मेहनत डबल लागत डबल टेंशन, इसकी सर्जरी करना पड़ जाएगी, फिर से इसको सजाना पड़ेगा। सर्जरी करेंगे रावण की सर्जरी। पानी दशहरे वाले दिन भिगो दिया, मालिक है। इसमें भी चीचड़े निकल आए हैं भीग भीग के। जिसका था आपको इंतजार वो घड़ी आखिरकार आ ही गई, और घड़ी के साथ साथ आपका प्यारा यूट्यूबर भी लौट आया है कानपुर शहर में। मेरे पीछे है परेड रामलीला के पुतले रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण। जिस तरह से पानी ने मैच का मजा किरकिरा किया है इंडिया बांग्लादेश, उसी तरह से इन पुतलों का भी मजा किरकिरा हो सकता है, दशहरे का भी मजा किरकिरा हो सकता है अगर पानी गिरता है तो। तो ये तीन पुतले मेरे सामने प्रॉपर रेडी हो चुका है, ढांचा बेस रेडी हो चुका है, लेकिन इनको कवर कर दिया गया है ताकि खराब ना हो। और वो वाला हिस्सा वो है जहां पर उनको रखा गया है सेफली सिक्योरली। शायद इतिहास फिर से दोहराया जाना है, क्योंकि ऊपर वाले को यानी कि इंद्र भगवान को, सो कॉल्ड इंद्र भगवान को, इस बार रावण की धज्जियां खुद उड़ानी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 5 दिन से कानपुर में बारिश ने कचड़ पचड़ मचा रखी है, कभी गिरती है कभी बंद हो जाती है। छुई मुई की तरह बारिश हमको और आपको ज़रूर सता रही है, लेकिन इन पुतलों को सबसे ज़्यादा सता रही है, क्योंकि जितना माल मटीरियल लगा के इन पुतलों को तैयार किया गया उसकी धज्जियाँ ऊपर से लेकर नीचे, अंदर से लेकर बाहर, आगे से लेकर पीछे, और न जाने कहां कहां से आप कनेक्शन जोड़ लीजिएगा, निकल रही हैं। आलम ये है कि जो त्रिपाल होता है, त्रिपाल वाला जो कपड़ा होता है, उसको रेनकोट के रूप में इन पुतलों के ऊपर कवर के रूप में लगाया गया ताकि पुतले खराब ना हो। उधर एक शेड बना दिया गया है। शेड इसलिए बना दिया गया है क्योंकि पुतले और पुतलों से जुड़ा हुआ जो सामान है, एसेसरीज़ है, वो सेफ रहे। पुतलों को कवर किया गया, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से बारिश हो रही है, बारिश आगे पीछे आड़े तिरछे तरीके से नुकसान पहुंचा ही रही है। उसकी रावण के पुतले के नीचे वाला हिस्सा तो बिल्कुल फट फुटा के बिल्कुल उसकी धज्जियाँ निकल गई। दशहरे वाले दिन ये फूटेंगे या भीग के मिट्टी के तेल से जलेंगे, ये ऊपर वाला कमेटी वाले और पुतले के जो कारीगर हैं वही जानते हैं। ये हमारे रावण के पुतलों के सिकंदर हैं, और सिकंदर साहब हमको ये बताइए कि यहाँ कितने दिन से पानी गिर रहा है। मैं तो आज ही लैंड हुआ। 5 दिन से पानी बराबर गिर रहा है। हाँ, और काफी हम लोग का समय बर्बाद हो रहा है। कितना समय लगा था पुतले बनाने में, और अभी 1.5 महीने से हम लोग अपना काम कारोबार फैलाए हैं यहाँ। तो ये अभी जो पानी से नुकसान क्या हुआ पुतलों को? पानी से यही नुकसान है कि अपना कागज मटेरियल सब भीग रहा है। अब इसको दुरुस्त करने में कितना समय लगेगा? इसको दुरुस्त करने में अगर मौसम खुल गया तो कम से कम 2 दिन तो हम लोग को समय लग जाएगा। नीचे तो चीथड़े निकल गए पूरे? हाँ, वो नीचे पूरे चीथड़े हो गए, ऊपर के नीचे तो सभी पूरी पूरी मराई करना पड़ेगी, इसकी सर्जरी करना पड़ जाएगी, फिर से इसको सजाना पड़ेगा। सर्जरी करेंगे रावण की सर्जरी, ये रावण के सर्जन है सिकंदर जी, रावण के सर्जन है। देखिए, हमें मुकद्दर का सिकंदर नहीं, रावण के पुतलों का सिकंदर मिला है और सर्जन मिले हैं, सर्जन रावण के डॉक्टर साहब। इधर वाले पुतले, इनका भी वही हाल है? इनका भी वही हाल हो गया है। हाँ, इनको भी सर्जरी करना पड़ेगी फिर से। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि मेरे ख्याल से ऊपर तो मेरे ख्याल से फ्लोरोसेंट शीट, पीछे भी फ्लोरोसेंट शीट सब लग गई थी, इसमें गुलाबी लग गई है, इसमें नारंगी लग गई है, उसमें लाल लग गई थी, तो अब फिर लगेगी? फिर लगेगी। पीछे भी फिर से होगी मढ़ाई पूरी, फिर से मढ़ाई बोलते हैं बेसिकली, मढ़ने को ऊपर कवर है। 2 दिन लगेगा अगर पानी खुलता है तो, और नहीं खुला तो फिर ऐसे ही भीगता रहेगा। क्या करें, तो कैसे फूका कैसे जाएगा अब इनके लिए? अभी इंतजाम मंगाना पड़ेगा भाई हमको। पिछली बार वाला ही वही हाल है, 2 साल के बाद वाला फिर हाल होएगा। लिटाल के फुका दो। हाँ, मंगाओ भैया डीजल, मंगाओ मट्टी तेल, क्या करे। अच्छा, इस बार तो कह रहे हैं ड्रोन ऑन शो होगा, पानी गिर गया तो फिर ड्रोन शो हो पाएगा? नहीं, वो सब हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, लेकिन पुतले के लिए समस्या है। हाँ, तो ये रावण का पुतला है, बड़ा है, 90 फीट का पुतला है, कागज वागज भीग भीग के निकल चुके हैं।
लाल रंग से इसकी शीट लगाई गई थी। हाँ लाल गुलाब है, फैला दिया है, पूरा 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 गीला हो गया है, पूरा गीला हो गया है। थोड़ा सा पीछे से दिखा दीजिए। हाँ ये देख रहे हैं, कागज गीला होने की वजह से बिल्कुल कागज गीला हो गया है, देख रहे हैं निकल भी रहा है, नमी आ गई है इसमें। और इधर तो देखिए बड़ी मेहनत, जितनी मेहनत से बनाया गया सब निकल गया, सारी मेहनत बेकार है। हमको उम्मीद ये है कि पानी बंद होगा और जिस तरह से धूप आएगी तो ये सब चीथड़ों में जो नमी है वो चली जाएगी और दुरुस्त हो जाएगी। ये रावण का पुतला, रावण का धड़ बन चुका है, चेहरा बन चुका है, लेकिन इसको रेनकोट से, जो तिरपाल वाली पन्नी होती है, उससे ढका गया है। उधर भी उसको ढका गया, इसको भी ढका गया ताकि ख़राब ना हो। होप सो इस बार यार पानी ना गिरे। अगर पानी गिरता है तो मुझे लगता है कि हमें फिर से छतरी वतरी लेके आनी पड़ेगी और उसके बाद ही ये पुतले जो हैं वो हम देख पाएंगे। मेघनाथ और कुंभकर्ण में भी कमोबेश वैसा ही हाल है। इसमें नारंगी शीट लगाई गई थी ऑरेंजिश, और उस वाली में लगाई गई थी गुलाबी। इसमें भी चीथड़े निकल आए हैं भीग भीग के। अगर धूप निकलती तो ये सूख के सही हो जाएगा, और नहीं निकलेगी तो ऐसे ही जिस तरह से इनको रेनकोट पहनाया गया है, कवर किया गया है, ऐसे ही करके फिर इनकी तैयारी कर दिया जाएगा, फिर सही करेंगे। और अगर पानी दशहरे वाले दिन भी गिर गया तो भगवान ही मालिक है, फिर ऊपर वाला ही मालिक है। मट्टी का तेल वाला जलाने वाला वो रोशन है, मट्टी का तेल ही आएगा और फिर बम बम स्वाहा होगा। राम जी नहीं मारेंगे, बारिश मारेगी। मुझे साल 2022 की थोड़ी बहुत याद आ रही है, और वो इसलिए क्योंकि उस दिन भी सुबह का ही समय था और आज भी सुबह का ही समय था। उस दिन भी पुतले कवर्ड थे, आज भी पुतले रेनकोट से कवर्ड हैं। बारिश इस बार भी कानपुर को परेशान कर रही है, और उस बार भी बारिश इन पुतलों के लिए कहर बन के टूटी थी, खासकर रावण वाले पुतले के लिए। और इस बार भी इन तीनों पुतलों में बारिश ने सबसे ज़्यादा नुकसान फिलहाल रावण के पुतले के बैक साइड को, पीठ वाले हिस्से को पहुंचाया है। क्योंकि ये पुतले साइड में है, पेड़ वेड़ है, इस वजह से इनको कवर अप थोड़ा सा मिल गया है। वो सीध में है, बिल्कुल एक्सपोज हो रहा है उस साइड से भी, इस साइड से भी खुले में है थोड़ा सा, तो इस लिहाज से उसका पीछे बहुत नुकसान हो गया। ये ना केवल रामलीला कमेटी बल्कि पुतला बनाने वाले कारीगरों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि उनके पास टाइम कम है और कम टाइम में डबल मेहनत, डबल लागत, डबल टेंशन है ना। सो कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए रामलीला मैदान से जुड़े रहिए।